जंगली हाथी का आवाजाही लगा रहता है डुवर्स के चाय बागान अंचलों में। पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में हर रोज एक की मौत होती है जंगली हाथी या बाघ के आक्रमण से। अबा के हाथी मार रहा है और अबा को इसने मतलब गंगा दूरा तो घूर जा रहे हैं होने से आवत रहे कि हाथी मार लग बस्ती में। तोरे की कैसा जानकारी मिल रहा था? होने से फोन कर रहे हैं, दूसरा मन फोन कर रहे हैं उन्हें जितन मुझसे दूरा कर संग छोड़ा कर आए रहे बताएंगे। वो जो एक्सीडेंट होला उकर बाद में का कार्रवाई होला का कर ला तोरे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले दोथा बड़े ले रहे हैं। अच्छा, उकर बाद में? ओकर बाद में वहाँ जाके तनिक बहुमन से भेंट कर लग बतिया लग मुँह से तो तनिक बहु कह लग वहाँ के सिर आगे लग। अच्छा, मैंने हॉस्पिटल में बात कर रही है। तैन हॉस्पिटल में बात कर रही तो अब सिर अलग ओकर बाद में कहाँ लिख लें फिर? थाना लिख लें। थाना लिख रखना। भातखावा चाय बागान में वसावास करने वाला मृतक अभिराम खड़िया का परिवार चाय बागान पर निर्भरशील है। पत्नी और बेटा चाय बागान में कार्यरत हैं, जहां बागान की दैनिक मजदूरी मात्र 150 रुपया मिलता है। मजदूरी से घर नहीं चलता। अवेलाले मने किसान टाइप का क्षतिपूर्ति होला घर गांव में? बहुत सारे घर उर तोड़ जाएल, वहाँ जे अनाज उनाज रहे जे भी खाए पिए कर सामान रहे कर सप्ताह 15 दिन कर महीना दिन कर जे भी सामान व्यवस्था करके राख रहे अपन रोजगार ये सब खाए जाए। और ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जे आज तक भतखावा बागान कर भीतर मोर जानकारी में गिन हमरे कर यहाँ बड़ालाइन में गिन तो कम से कम 6 आदमी इसने मर जा है हाथी कर माउर से। और दूसरा हटखोला साइड में भी कई आदमी मर है। काफ़ी जान माल की क्षति होती है, पर प्रशासन सुरक्षा एवं क्षतिपूर्ति करने में ध्यान नहीं देता, ना ही बागान प्रतिपक्ष इस पर ध्यान देती है। बागान प्रतिपक्ष या फिर सरकारी जो डिपार्टमेंट है सेकर से कैसा देखल जाए इस सब के? नहीं से तो ये तो सुनल जाए है जे कुछ कॉम्पोसेशन जे मिले कर बात, लेकिन कॉम्पोसेशन भी अगर आदमी कर ये तो बोले कला अगर आदमी ना खाए उकर कोई अपन से गिन उकर घर में अगर तनिक शिक्षित व्यक्ति ना खे तो ये खाली एक तो बात भेर रह जाए जे कॉम्पोसेशन मिली कह के बा मिलो थे कह के लेकिन ऐसा कोनो नहीं रहा। हाँ, जेकर घर कर आदमी बोले कला है कुछ जाने तनिक लड़े चेष्टा करेला तो उके थोड़ा बहुत कॉम्पोसेशन जे मिल जाएला तो इकर से किन तो उकर भविष्यत कर जे नुकसान से तो पूर्ति हो नहीं सकेला। तो इकर लेकिन प्रशासन के का कहे चाहल तो मैं तो प्रशासन के कहे चाहूँ जो प्रशासन के इनिजेटली के जे एरिया में गिन जे जानवर कर आक्रमण है गाँव में गिन सेकर लेकिन प्रशासन के स्टेप ले के गिन सेकर सुरक्षा कर पूरा व्यवस्था देख चाहिए और जहाँ क्षति होते उके पूरा क्षतिपूरण देवे कर जरूरत है। लेकिन से स्टेप बहुत बार जनाए कर बावजूद भी डेपुटेशन होकर बावजूद भी आज तक इटो कॉम्पोसेशन के जो चीज है ये फुलफिल कोनो दिन नहीं होगा। घटना के बाद नीमती रेंज ऑफिस बक्सा टाइगर रिजर्व में मैं रेंज ऑफिसर BN ऋषि से मिलने गया। उन्होंने कैमरा में आने से इनकार कर दिया, पर पीड़ित परिवारों के सरकारी मुआवजा दिलाने के लिए हर उचित कार्रवाई करने का बात कही। आज 4 महीने के बाद उनके कॉम्पनसेशन का सेंक्शन लेटर डिप्टी फील्ड डायरेक्टर बक्सा टाइगर रिजर्व्स ने जारी किया है। मैं हरिहर नागबंसी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहट के लिए।